हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कोकोनट चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं सिर्फ आधा नारियल यूज़ कर रही हूँ, इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। और यहाँ हम पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे और ये मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद सौटे कर लें अच्छे से, और एक चम्मच चने की दाल यहाँ पर डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करके वो हमने जो रखा था कोकोनट छोटे छोटे पीसेस में कट करके, वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से रोस्ट कर ले। इसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं। टेस्ट इसका बहुत ही मज़ेदार होता है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इस मिक्सचर को हमें ब्लेंड कर लेना है। इसे ठंडा करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा अदरक, धनिया और नमक, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ही पानी डालना है। इन सबको अच्छे से मिला करके ब्लेंड कर दी। चटनी यहाँ हो गया है तैयार। अब इसमें हम लगाएंगे तड़का। यहाँ पैन में डाले तेल, तेल जब गर्म हो जाए फिर डाले जीरा और सरसों। और लाल मिर्च तो ये हो गया हमारा चटनी तैयार। आप इसे डोसा, इडली, उत्तपम किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।